नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो शराब नीति पर बवाल मचा हुआ है। आपको याद होगा, शीतकालीन सत्र के दौरान कई तरह के विधेयक पारित हुए हैं, पास हुए हैं। उन्हीं विधेयकों में से एक विधेयक में संशोधन किया गया है और हरियाणा सरकार ने हरियाणा आबकारी नीति में संशोधन किया है, तरमीम की है। और इस बदलाव के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष बवाल मचा रहा है और कई तरह के सवाल भी इसमें खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस आबकारी अधिनियम में जो बदलाव किया गया है उसके तहत जो बिक्री की पहले उम्र थी वो 25 साल थी, अब इसको घटाकर प्रदेश सरकार ने 21 साल तक कर दिया है। हालांकि प्रदेश सरकार इसको लेकर कई तरह के तर्क भी रख रही है कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार सृजित होगा। यह दृष्टिकोण, यह नजरिया प्रदेश सरकार का है। लेकिन यहां पर विपक्षी पार्टियों का अपना तर्क है, अपना दृष्टिकोण है, अपना नजरिया है। उनका कहना है कि ऐसे कहीं ना कहीं इस बदलाव से युवाओं में नशे की लत बढ़ेगी। आप भले ही जो मर्जी तर्क रखें, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के ये सवाल क्या जायज है या नहीं है, जो तर्क रखे जा रहे हैं वो पैमाने पर कितने खरे उतरते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस हरियाणा के आबकारी अधिनियम में जो बदलाव किया गया है क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये सारे देश के अंदर एक मुहिम चली है इस प्रकार की, क्योंकि ध्यान में ये आया है कि चाहे उसका संवैधानिक, इसका वैधानिक तौर पर कुछ भी था, लेकिन ध्यान में ये आता है कि उससे नीचे भी सब लोग अपने हिसाब से चोरी करके या एक दूसरे का आड़ लेकर के सब काम करते थे। इसलिए उस विषय को ठीक करने के लिए अब ये चलाया है, क्योंकि राइट टू जॉब एक प्रकार सब 21 साल के 18 साल के लोगों को भी मिल जाता है। वो लोग काम करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कंपनियों में वैसे लोग लगे हुए हैं। उस कानून के कारण से 25 साल का कोई भी इससे नीचे का व्यक्ति कोई अपना काम नहीं कर सकता था, कोई व्यवसाय नहीं कर सकता था और कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था। पीने वालों के ऊपर भी रोक लगती नहीं थी, 25 साल के नाते से वो 21 साल वाले भी अपने हिसाब से पीते करते थे। और बाकी स्टेट्स ने, लगभग 16 स्टेट्स ने पहले से इसमें संशोधन कर लिया था, इसलिए उस संशोधन को हमने किया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक एक्साइज पॉलिसी में भी अपडेट करने की बात की गई थी, 25 से 21 साल जो है उम्र कर दी गई। कैसे देखते हैं पूरे जो बिल को? शर्म की बात है, आज हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। और ये सब लोग जो देख रहे हैं और हरियाणा के लोगों में, मेरे ख्याल में इसका एक अच्छा नतीजा नहीं जाएगा कि 25 साल से उम्र कम कर दी है 21 साल तक जी। बच्चों को शराब के लिए, और जो है उसको लाइसेंस जो है वो ठेके भी उठा सकता है। तो अब अगर 21 साल का बच्चा, जिसका मेंटल लेवल आप समझ सकते हो आज के दिन, मैच्योरिटी लेवल वो बात नहीं होती है, बच्चों को समझाना पड़ता है, वो अगर ठेके के ऊपर बैठेगा तो उसके साथ 21 साल के और या उसके और छोटे और लोग बैठेंगे। कितने सारा जो आज हरियाणा के अंदर इतना जबरदस्त नशा फैल रहा है, कितना जबरदस्त परिवार जो है, कितने सारे जो है वो बर्बाद हो जाते हैं ये शराब के कारण। तो महिलाएं तो ये कहती हैं कि जो है शराब के ठेके नहीं खोले वहां पे। हर एक गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैंने देखा है कि हमेशा जो है जब ये आबकारी नीति निकलती है तो गांव के अंदर खट्टू बजता है कि हाँ ठेके नहीं खुलने चाहिए। अब जो है आप 25 साल से घटाकर 21 साल पे आप कर रहे हो, तो इसका मतलब तो आप सीधा लाइसेंस दे रहे हो उसको। अब आप लाइसेंस दे रहे हो ठेकों का, लाइसेंस दे रहे हो शराब का। अच्छा होता आप अगर उसके हाथ के अंदर रोजगार देते, जो आपने 75% का वायदा आपने करा था, और वो वायदे पे तो आप खरे उतरे नहीं हो। और आप जो है 25 साल से लेकर 21 साल के लिए ही शराब का जो है आपने ये घटा दी है, उम्र घटा दी है, तो इससे ज्यादा और क्या खराबा होगा। जो है यूथ जो है पूरी तरह से अब भटक जाएगा, उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। और जो है ये आप देखिएगा, इसके नतीजे बहुत ही गंभीर नतीजे जो है हरियाणा के अंदर निकल के आएंगे। सरकार का दायित्व होता है कि एक अच्छी राह दी जाए, एक अच्छी दिशा दिखाई जाए, लेकिन ये सरकार तो खुलेआम ये कह रही है कि आओ पियो शराब और मौज करो। तो अब शराब नीति पर बवाल मचा हुआ है, दोनों तरफ से, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं। लेकिन सच में क्या चुनौती है, क्या लूप होल्स हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद बताया कि केवल हरियाणा नहीं है, इससे पहले 16 प्रदेश भी हैं जो इसको लागू कर चुके हैं, जो अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर चुके हैं, इस उम्र को घटा चुके हैं। तो यहां पर
प्रदेश के विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि सच में जो विपक्ष तर्क रख रखा है वो कितने जायज हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अमित गोयल जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अमित गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो प्रदेश सरकार ने आबकारी अधिनियम में जो बदलाव किया है, जो संशोधन किया है, क्या वो सच में गलत है या एक व्यवसाय की दृष्टि से हम इसको देखें, क्या चुनौती हम इसमें देखें, लूपहोल्स क्या नजर आते हैं? नहीं, मैंने अभी आबकारी नीति को जो जितना पढ़ा है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है और जो लोगों को काम की जरूरत है उस पे उनको जरूर फायदा मिलेगा। हम आबकारी नीति पे जाएं, अगर हम 25 साल की आयु वर्ष के उस पे जाएं तो कहीं ना कहीं 25 वर्ष की आयु पे दंड भी था और 50,000 रुपए का जुर्माने का एक प्रावधान था जो कि अब 21 साल हो गया। हर उस परिवार को रोजगार की जरूरत है जिसमें बच्चा बड़ा होता है और जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको रोजगार चाहिएगा। और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज ये शराब की है, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल से लेके होलसेल से लेके जो भी है, अगर वो सारी की सारी प्रक्रिया हमारी 21 वर्ष की आयु पे आती है तो जो बेरोजगार युवक हैं, जो परिवार का पालन पोषण करना चाह रहे हैं, चाहे वो लाइसेंस प्रक्रिया हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, और इसके अलावा चाहे वो रिटेल या होलसेल में काम करने का मामला हो, तो उनको सभी को फायदा मिलेगा और उस फायदे की वजह से उस जो परिवार है उसका पालन पोषण अच्छे से होगा। रही बात कि हमने इसको 25 से 21 कर दिया, वो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगा सकता है, उनका काम है। लेकिन हम अगर उस दूसरे पहलू पे भी जाएं तो पड़ोसी राज्यों ने, दिल्ली हमारे से लगता हुआ है, वहां 21 वर्ष हो गया है। और अगर उस कंपैरिजन करें, और जब सब चीजें, आज हमारा युवा जितना पढ़ा लिखा है, जितना वो एग्रेसिव है, जितना वो काम कर रहा है, हम सब अधिकार 21 वर्ष की आयु तक उसको देने का प्रयास कर रहे हैं और मानते हैं कि हमारी जनरेशन जो नई आ रही है वो हमसे ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा पढ़ी लिखी और ज्यादा विचार और सोचने की क्षमता रखती है। तो खाली कि वो बिगड़ जाएगी, शराब से नशे की तरफ चली जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है आने वाले समय में, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा जरूरत है, परिवारों को पालना जरूरी है और हमारी जो जनरेशन है वो हमसे ज्यादा सतर्क और सचेत है और बहुत ज्यादा वो मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी है और आने वाले समय में एज पर उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर एक ये विरोधाभास देखें कि आप 21 साल की उम्र में शराब को बेच सकते हैं और पीने की उम्र को देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई देता है कि आप एक तरफ दूसरी दृष्टि रखते हैं और दूसरी तरफ एक दूसरा नजरिया है। देखिए, नजरिया अगर आप 21 साल या इससे भी कम ज्यादा है तो अपने सोचने का और अपना पीने का भी एक वो है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने अगर इसको लाया है, आपने देखा कि अभी मैं सुन भी रहा था या पढ़ रहा था कि 16 राज्यों में अभी जस्ट इसको किया गया है, जब आपके साथ लगते हुए राज्यों में ऐसा कानून आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको भी उनके साथ में चलना होगा। और उधर बेरोजगारी अगर आपको दूर करनी है, लोगों को रोजगार की तरफ जोड़ना है, तो इन चीजों की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो क्या दूसरे सेक्टर नहीं है? विपक्ष तो ये सवाल उठा रहा है कि दूसरे सेक्टर में आप रोजगार दीजिए, आप शराब के सेक्टर में जहां पर सरकार को भी राजस्व बड़ी संख्या में प्राप्त होता है और ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था तो जो शराब पीते हैं उनकी वजह से उनके ऊपर टिकी हुई है, लेकिन आप दूसरे सेक्टर में रोजगार दीजिए, आपके पास खुद के विभागों में इतने पद खाली हैं, अभी लगातार तर्क रखे जा रहे हैं, ये भी वाजिब है। नहीं, अभी पीछे 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों का जो रखा गया इंडस्ट्रीज में, वो इसी सरकार ने रखा है। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, वो एक विषय अलग हो सकता है। अभी 75% नौकरियां जो दी जा रही हैं अपने हरियाणा को, युवा को प्रायोरिटी के हिसाब से दी जा रही है, वो चाहे वो 30,000 तक का एक अमाउंट रखा गया है, जो भी सुविधाएं हैं उससे भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी दूर करने का एक प्रयास किया गया है, उससे भी हमारे युवाओं को फायदा मिलेगा। अब कौन क्या कहता है वो विषय नहीं हो सकता। अब इनसे जवाब आप लेंगे कि ये 75% का कानून भी इसी सरकार ने लागू करा, इससे पहले तो लागू नहीं था। आज 25 से 21 करने का भी काम इन्होंने किया, ये एक पहलू को देख रहे हैं कि नशे की तरफ जा रहा है प्रदेश या लोग बच्चे ज्यादा पीना शुरू कर देंगे, दूसरे पहलू की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है कि कितनी बेरोजगारी दूर होगी, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी जो पीढ़ी है उनसे एक बच्चे को रोजगार मिलता है तो उसके साथ कितने परिवारों का पालन पोषण होता है, तो उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। इनका काम है आरोप और प्रत्यारोप लगाना, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक ये मैसेज है और इसको इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और इतना सक्षम हमारा युवा है कि वो अपनी आज स्थिति में है कि वो स्वयं अपनी गणना कर सकता है कि मुझे शराब क्यों पीना है, नहीं पीना है, मुझे क्या गलत है क्या सही है। बहुत जनरेशन हमारी आज आगे जा चुकी है।
ठीक है अमित जी, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि कालीरमन, कुछ देर पहले की बात थी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी था इस बात को लेकर कि आखिरकार संशोधन किस मायने में किया गया है, क्या किया गया है, लेकिन पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि आखिर संशोधन क्या किया गया है और ग्राउंड लेवल पर क्या इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कोई रणनीति बनाई जा रही है कि इसका विरोध किया जाएगा या फिर विपक्ष का तर्क क्या है इसको लेकर। बिल्कुल यश, देखिए जो एक्साइज पॉलिसी में जो अपडेट किया गया है ये कहीं ना कहीं जो शराब बिक्री को लेकर है वो किया गया है। पहले 25 साल से ज्यादा के उम्र के जो नौजवान थे या फिर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं शराब के ठेके या उनके लाइसेंस जो है वो ले सकते थे, अब इसको घटाकर 21 कर दिया गया है। साथ साथ एक आंकड़े जो है वो सदन के अंदर बताए गए थे कि क्यों इस जो है आबकारी नीति में है बदलाव करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 21 से और 25 साल के जितने भी नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं शराब की बिक्री में संलिप्त पाए जाते हैं। आंकड़े के हिसाब से तमाम जो उम्र के जो युवक हैं उनके आंकड़े निकलवाए गए तो सबसे ज्यादा जो युवक थे 21 और 25 साल की उम्र के बताए गए जो शराब बिक्री में कहीं ना कहीं शामिल थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जुर्माना भी देना पड़ता था और सजा का भी प्रावधान था। करीब 15,000 से 16,000 जो है FIR दर्ज हुई, इतने ही लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तारियां भी करनी पड़ी, उनको पकड़ना भी पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं का जो भविष्य था वो खराब हो रहा था। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ कर दिया गया था, एक और कहीं ना कहीं जो ये युवा है अवैध शराब की बिक्री करते हैं या फिर जिस प्रकार से इन लोगों को छोटे बच्चों को शराब देते हैं और या फिर जिस प्रकार से इन लोगों पर जो केस होते हैं वो कहीं ना कहीं अब उसकी उम्र घटा के 21 कर दी जाए, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है जो कहीं ना कहीं अपना जो युवा है। विपक्ष का क्या तर्क है, क्या सोचना है, क्या पहलू है इसको लेकर। हमारे साथ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद जुड़ गए हैं जो लगातार सदन में अपनी बात को प्रमुखता से रखते रहे हैं, प्रखरता से रखते रहे हैं और कई मुद्दों पर अपनी बात उन्होंने रखी है, आपने भी सुना है। आफताब अहमद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। आफताब अहमद जी, जो प्रदेश सरकार ने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया है, बिक्री की जो मौजूदा जो उम्र थी वो 25 से घटाकर 21 कर दी गई है, कांग्रेस इसको लेकर क्या तर्क दे रही है, किस तरीके से सोच रही है, क्या ये ठीक है? कल हमने जब ये विधेयक पेश किया गया विचार के लिए तो हमने इसका कल विरोध किया और विरोध इसलिए किया कि आप क्यों ऐसी हरियाणा के युवाओं को एक छूट दे रहे हैं कि उनकी उम्र जो है 25 साल की जो है घटाकर 21 साल कर रहे हैं। तर्क दिया गया कि 17 राज्यों में हिंदुस्तान में इसको घटा दिया गया है और इतने केसेस जो है इसके में है, तो कल को केसेस अगर 15 साल तक के होंगे तो ये 15 साल घटा देंगे किसी चीज के लिए। इसलिए हमने कहा था ये सामाजिक जो है बुराई है, हमें अपने युवाओं को इसकी उम्र घटाने से नहीं, उसको हमें जो है उनको सही दिशा में लाने की जरूरत है, ना कि उनको उम्र घटा के पूरे प्रदेश के युवाओं को और उससे ज्यादा इस व्यापार में उन लोगों को जो नौजवान है जिनकी अभी पूरी मतलब वो है उनको इस जो है व्यापार में हम धकेल रहे हैं। तो इसलिए हमने विरोध किया था और हरियाणा, मैंने कहा एक प्रदेश ऐसा है जैसे गुजरात और बिहार में नशाबंदी है, हरियाणा में भी एक समय में एक राजनीतिक पार्टी जो है शराबबंदी के नारे पे जो है सत्ता में आई थी। आज भी ये कहते हैं अगर जनता जो है रेजोल्यूशन करेगी तो हम वहां ठेके नहीं लगाएंगे, और एक तरफ आप 21 साल की उम्र में को इजाजत दे रहे हो कि आप जो है शराब पीजिए किसी चीज के लिए। ये जो है हरियाणा की सभ्यता से और हरियाणा का जो सामाजिक हमारा दृष्टिकोण है उससे गलत है और ये सरकार के, इसीलिए हमने इसका विरोध किया था कल। लेकिन सत्ता में है और आज वो कानून बनाने की उसमें, तो कल इन्होंने जो कानून बनाया, हमने एक मिसाल देके भी कहा था, हरियाणा की एक मिसाल है दूध दही का खाना वो देश हरियाणा, और अब ये करना चाहते हैं कि ये शराब के नाम पे मतलब जो है आबकारी में इतनी कमाई दिख रही है अब इनको कि हमारे युवाओं को धकेलना चाहते। लेकिन आफताब जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 15,000 से 16,000 ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें युवा बिक्री के मामलों में संलिप्त पाए गए थे, तो ऐसे में उम्र घटाती गई, तो ऐसे में सरकार की नियत पर कांग्रेस को शक क्यों है? शक तो इसीलिए है कि आप ये समझते हो कि उम्र अगर कम को, कल को मैंने ये तर्क किया कल को और नीचे की उम्र वाले अगर करने लगेंगे तो क्या ये उम्र 21 से भी नीचे ले जाएंगे फिर उनको बचाने के लिए? आप कानून का वो आड़े मत लो, आप अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हो और इसे हरियाणा के युवाओं को
शराब में जो है उसमें सरोबर करना चाहते हैं। आज हरियाणा का युवा जो है वो बेरोजगार है, आज हरियाणा के युवाओं के सामने रोजगार नहीं है, उनको आप इजाजत दे के और इस चीज की लत लगाना चाहते हैं कि वो शराब के नशे में डूब जाए। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार सृजित कर रहे हैं। बहुत दे दिए इन्होंने रोजगार के अवसर, जो ये शराब की उम्र कम करके जब रोजगार देंगे। सरकार का जो है गलत तर्क है, सिर्फ युवाओं को शराबबंदी में धकेलने का जो है काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफताब जी अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना हमारे साथ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद जुड़े हुए थे। अमित जी, यहां पर एक पॉइंट निकलकर जरूर सामने आया है कि उन्होंने कहा कि अगर जो कम उम्र के युवा हैं अगर वो भी इस तरीके से मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे, क्या उसमें भी संशोधन कर देंगे आप? ये तर्क तो समझना पड़ेगा ना सरकार को, आप दूसरी सरकारों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? वैसे तो कहा जाता है कि हरियाणा सरकार जो कदम उठा रही है, जो इनोवेशन के साथ, जो क्रिएटिविटी के साथ जो कदम आगे बढ़ाती है, उसको प्रधानमंत्री भी उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, यहां तक कि उसको केंद्र के स्तर पर भी फॉलो किया जाता है। तो जो 17 राज्य कर रहे हैं वो उसको हरियाणा प्रदेश क्यों करे? आदरणीय विधायक जी ने एक शब्द और भी कहा कि सरकार शराब पिलाने का काम कर रही है। सरकार शराब पिलाने का काम नहीं कर रही, सरकार आंकड़ों पर जा रही है। अभी आपने क्या कहा कि सरकार ने उसका जो देखा कि भाई आंकड़ों के अंदर 21 से 25 साल के इतने युवा उसके अंदर सम्मिलित थे, उनको कहीं ना कहीं दंड मिलता था, 50,000 रुपए उनपे पेनल्टी लगती थी, फाइन लगता था, इसके अलावा तो कहीं ना कहीं युवा हमारा उसमें शामिल होने की वजह से उन आंकड़ों के हिसाब से वो खुद भी खराब हो रहा था, उसका परिवार भी कहीं ना कहीं खराब हो रहा था। एक पहलू को अगर आप देखेंगे, विपक्ष का काम है कहना, उनको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हमारी शादी की उम्र 21 साल है? कल को विपक्ष ये भी कह सकता है, विधायक जी ये भी कह सकते हैं जी इसको 16 साल कर दिया सरकार ने, तो क्या? तीसरा विषय, जब पड़ोसी राज्यों के अंदर हमारी साथ में लगती हुई सीमाओं के साथ अगर 20 किलोमीटर के या 30 किलोमीटर के बाद ही वो दूसरा कानून लागू है और हमारा दूसरा है, तो भी कहीं ना कहीं वो चीजें मिसमैच हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि खाली ये कह देने से कि 15 साल की उम्र में सरकार ला देगी, और भी तो कानून बने हुए हैं ना, आज हमारी शादी की उम्र भी फिक्स है, आज हमारे वोट देने का अधिकार भी फिक्स है, क्या सरकार उनको भी 12 साल पे ले आएगी क्या? जस्टिफाई नहीं है, इनका कहने से कुछ नहीं होना 15 साल की, लेकिन जो 21 साल से 25 साल में सर्वे हुआ, सरकार ने जिसको देखा, आंकड़ों को देखा, उसके तहत ये लगा कि युवा कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है और उससे उस युवा के साथ साथ परिवार को भी परेशानी हो रही है, और उस आंकड़ों में जाने के बाद, उनको देखने के बाद नहीं, अगर कम उम्र के युवा इन सब मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं तो क्या सरकार आगे भी उम्र कम कर देगी? और देखिए, अभी कितने दिन के बाद आबकारी नीति बदली गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये दो ही दिन में चेंज हो गई है। आप देखेंगे कि आबकारी नीति, पिछली आबकारी मैं पढ़ भी रहा था, पिछली आबकारी नीति और अभी इस नीति में कितने दिन का या कितने सालों का फर्क आया है। भविष्य का क्या होगा वो तो भविष्य है, आज की स्थिति पे हम चर्चा कर सकते हैं कि आज सरकार ने इस विधेयक को जो लागू किया है, आबकारी नीति को जो लागू किया है, तो वो बहुत सी चीजों को सोचकर किया है कि हम रोजगार की तरफ कितना जा रहे हैं, हम इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज में हम क्या सर्विस दे पा रहे हैं जी। मतलब समाज सेवी होने के नाते आप इसको जायज ठहरा रहे हैं कि सरकार का ये जायज कदम है रोजगार की दृष्टि से, ठीक है। रवि, किस तरीके से आप अपनी बात वो रख रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे कि क्या क्या वो पूरा मामला है, कितने आंकड़े सामने आए और जिस वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से जो सदन में बताया गया, कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की जो है तीखी नोकझोंक इस बिल को लेकर हुई, और विपक्ष का यही कहना था कि ये जो है युवाओं का भविष्य को खराब करने वाला है, युवाओं की मैच्योरिटी लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके साथ जो बैठने वाले जो लोग होंगे दुकानों पर, शराब की दुकानों पर जो बैठने वाले लोग होंगे उनके साथ ही होंगे, तो ऐसे में वो भी शराब पीना शुरू कर देंगे तो तमाम युवाओं का जो भविष्य है वो नशे की तरफ खिंच जाएगा और जो परिवार है वो बर्बाद होने की कगार पे आ जाएंगे। वहीं जो है पक्ष की तरफ से, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ करा गया, उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि 17 जो 21 से जो 25 साल के जितने भी युवा हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में सबसे ज्यादा संलिप्त पाए गए, उनका एक रिकॉर्ड जो है वो डेटा इकट्ठा किया तो करीब 15,000 से 16,000 ऐसे मामले थे जिनमें 21 से और 25 साल के जितने युवा हैं वो शराब बिक्री में के मामले में जो पकड़े गए उन पर FIR दर्ज हुई, उनको दंड देना पड़ा, उनको जुर्माना राशि है वो भरनी पड़ी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार उन पर जो है कार्रवाई जो कर रही थी, उनका जो भविष्य है वो खराब हो रहा था और तमाम जो चीजें जिस प्रकार से मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताई, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार का अवसर जो है 21 से 25 साल के युवाओं के लिए जो सरकार ने खोलने का प्रयास किया है
वो बताया गया उनकी तरफ से, और दूसरी तरफ से जो पर्चे दर्ज होते थे 21 साल से और 25 साल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो है ग्रेजुएशन कर चुका होता है या फिर अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुका होता है। तो ऐसे में तमाम जो युवा है नौकरी की तलाश करते हैं, अगर उनको नौकरी में हताशा मिलती है, निराशा मिलती है, तो तमाम जो युवा है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो काम करते हैं, इस प्रकार की दुकानों पर काम करते हैं, अब उनको लीगलाइज करना सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को सुधारने का प्रयास करना है। और ऐसे में युवाओं का जो भविष्य है उस पर जो अभी 21 से 25 साल की अगर उम्र में कोई कानूनी केस उन पर होता है, कोई कार्रवाई होती है, तो वो डिमोरलाइज होते हैं और तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे मामलों की तरफ खींचते चले जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य को सुधारने के लिए और कहीं ना कहीं जो आबकारी नीति से जो कहीं ना कहीं सरकार का फायदा होगा वो भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में तो तमाम जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को देखते हुए ये जो आबकारी नीति है इसमें बदलाव किया गया और 25 से 21 वर्ष जो है उम्र की गई। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारंग भी जुड़ गए हैं। दीप कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। दीप कमल जी, सरकार का इसको लेकर तर्क क्या है, इसको लेकर नजरिया क्या है, क्या सच में रोजगार की दृष्टि से आबकारी नीति में ये संशोधन किया गया है? क्योंकि विपक्ष का अपना तर्क है, उनका कहना है कि आप युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं। देखिए, कोई राजनीति इस पर बात करे तो अलग विषय होगा, क्योंकि वो तो हर बात में कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं विपक्ष के लोग तो। लेकिन मेरे ख्याल से हरियाणा के दर्शकों को ये चीज पता होनी चाहिए कि देश में सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 25 जो है वो एज थी अब तक, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। उसके अलावा पूरे देश में कहीं पे भी जो है वो आयु सीमा जो है वो 25 नहीं थी। कम से कम 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर आज के दिन भी शराब पीने और शराब खरीद है वो 18 साल है। इनमें मैं नाम आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, राजस्थान है, सिक्किम है और तेलंगाना है। तो देश के 8 राज्यों में आयु सीमा 18 साल है और 3 राज्यों में, सिर्फ 3 राज्यों में 25 साल है और बाकी सब में 21 है पहले। तो अगर पड़ोसी राज्यों के साथ एक समान नीति अपनाते हुए कि वहां पर जो नियम है उसके हिसाब से यहाँ पर नियम चले और कोई डिस्पैरिटी ना रहे, कोई बहुत ज्यादा अंतर ना रहे चीजों में, लोगों को मूवमेंट ना करनी पड़े सिर्फ इस वजह से कि एज का फर्क है, आप यहाँ पी सकते हैं और यहाँ नहीं पी सकते हैं, दिल्ली के एक तरफ पी सकते हैं दूसरी तरफ गुड़गांव है तो वहां नहीं पी सकते हैं, या वहां नहीं खरीद सकते हैं, या वहां नहीं रोजगार अपना जॉब नहीं कर सकते हैं, वहां जॉब करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग विषय है और ये पूरा जो एक्ट है वो जो मैं देख रहा था उसमें जो उसकी जो 30 नंबर धारा है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है कि अगर आपके पूरा एक 5-स्टार होटल है उसमें अगर आपके पास एक लाइसेंस है सिर्फ शराब परोसने का या शराब रखने का, तो आप उस पूरे पूरे होटल में ही आप किसी को 25 साल से कम उम्र में रोजगार नहीं दे सकते। ठीक है, ये सिर्फ शराब बेचने के लिए नहीं, ये एम्प्लॉयर के लिए है कि एम्प्लॉयर जिसके पास लाइसेंस है शराब रखने और बेचने का या उसको बार में पिलाने का, वो 25 साल से कम उम्र वाले युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता, वो नौकरी पर नहीं रख सकता। तो ये पूरे होटल पर ही, जिसके अंदर हो सकता है 1000 एम्प्लॉई हो और वो शराब के काम में हो सकता है 20 या 30 लोग। ठीक है, मतलब सरकार का ये तर्क है कि रोजगार की दृष्टि से हमने इस अधिनियम में बदलाव किए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीप कमल जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह भी जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चलिए निशांत सिंह जी से संपर्क टूट गया है। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहां पर इस मुद्दे पर भी राजनीतिक तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इन तर्कों का, इन वितर्कों का सच में कोई घालमेल है या फिर अपने ही तर्क जो जमीनी स्तर पर दिखाई देने चाहिए थे उसका कोई दूरगामी परिणाम क्या होगा, यह भी एक भविष्य के गर्भ में छिपा है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क आपस में जरूर भिड़ते हुए नजर आए जब शीतकालीन सत्र के दौरान अपने तर्क रखे गए, तो यानी कि शराब नीति पर भी बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहना है सत्ता पक्ष का कि इसके आप देखिएगा कि दूरगामी परिणाम सकारात्मक होंगे, इस बात के लिए इंतजार करना होगा, गौर करना होगा, क्योंकि ये तर्क भी लगातार दिया जा रहा है कि कई ऐसे और भी प्रदेश हैं जो आसपास से सटे हुए हैं, वहां पर भी नीति लागू है, यहां पर भी इस तरीके से जो मौजूदा 25 साल की उम्र थी उसको घटा दिया गया है, तो देखना होगा इसका सकारात्मक परिणाम आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।